नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को चुराई हुई 12 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। चुराई मोटरसाइकिलों की कीमत 6 लाख रुपए है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले किशन वंशकार को भी गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोर जबलपुर के अलग अलग क्षेत्र से वाहन चोरी घटना को अंजाम देते थे और चुराए वाहन को किशन वंशकार को बेचा करते थे। बरेला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों वाहन चोर अंकुशुल और लखन यादव बरेला क्षेत्र में चोरी के वाहन को बेच रहे हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बरेला थाना पुलिस ने चोरी का वाहन खरीदने वाले आरोपी समेत दोनों चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल बरामद किया। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैडम, ये जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से? ये लंबे समय से क्षेत्र में चोरी हो रही थी, तो पुलिस अधीक्षक महोदय और उप पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण और एडिशनल SP नॉर्थ के द्वारा एक अभियान चलाया गया था संपत्ति संबंधी अपराधियों को पकड़ने के लिए। उसके तारतम्य में कल रात्रि में चेकिंग के दौरान दो लड़के गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, उन्हें रोका गया तो पलट के भागे, तो टीम द्वारा उन्हें पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और गहन पूछताछ करने पर जो 12 गाड़ी रिकवर हुई हैं उनसे अलग अलग जगह से गाड़ी रिकवर हुई है। अभी और कुछ आगे और भी कार्रवाई होने की उम्मीद है? अभी विवेचना जारी है, पूछताछ जारी है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। बड़ा मामला है इसमें, और बड़ी गैंग है क्या इसमें? अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ पर जो भी जानकारी आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।